गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है हमारे एमडीएन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दोबारा से। तो सभी बच्चे, आशा करता हूँ आप अपने अपने घर पे अच्छे होंगे और अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे और साथ में आप अपना जो गृह कार्य है उसको पूरा कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं जय माँ सरस्वती के नाम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा, वो रहेगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या रहेगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहेगा। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन हियर। ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड is called neutralization reaction. Salt plus water are produced along with evolution of heat. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। एक एसिड और एक बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है बेटा, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। एक एसिड को जब आप बेस में जोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से बनता क्या है? साल्ट प्लस वाटर आर प्रोड्यूस्ड। साल्ट बनता है, हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। ये साल्ट आ चुका है, अब हम साल्ट को पढ़ेंगे। साल्ट बनता है, वाटर बाहर निकलता है और प्रोड्यूस पैदा होते हैं अलोंग विद, और उसके साथ क्या बाहर? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है एमिट आउट, बाहर आना, बाहर निकलना। और क्या बाहर निकलती है? हीट। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए बेस इज मिक्स विद एन एसिड। एक बेस एसिड के साथ, और यू कैन से एन एसिड मिक्स विद द बेस, एंड व्हेन बोथ आर मिक्स टुगेदर दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। सो ड्यू टू दिस रिएक्शन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। साल्ट बनता है, लवण बनता है, नमक बनता है, और वाटर पानी बाहर निकलता है, और साथ में क्या बाहर निकलती है? हीट बाहर निकलती है। इसको हमें अच्छे से, और हाँ, आपका जो साल्ट बनता है बेटा, इसमें जो आपका साल्ट बनता है वो आपका एसिडिक भी हो सकता है नेचर में, बेसिक भी हो सकता है नेचर में, और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। वो डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी हुई है, ओके? और जो आपकी इवोल्यूशन ऑफ हीट है, इस रिएक्शन को कहते हैं, देखो जो हीट है, हीट क्या होती है? टू रिएक्शंस होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। ये आपकी सेवंथ क्लास का टॉपिक नहीं है, बड़ी क्लासेस का, लेकिन आपको समझा देता हूं, आसान है। थर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट, और एक्सो माने आउट, मतलब हीट का आउट हो जाना, बाहर निकलना, होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मैंने होता है इन, अंदर, और इसमें हीट का अंदर ही रह जाना, अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाना। तो इसमें हीट क्या हो रही है? इवोल्यूशन, बाहर हो रही है ना ये। तो किस तरह की रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट बाहर पैदा होती है या बाहर निकल जाती है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें आपकी रिएक्शन क्या है। एसिड में जब आप क्या जोड़ेंगे? बेस। एसिड में जब आप बेस जोड़ेंगे तो इससे क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और बाहर क्या निकल जाएगी? हीट। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं, पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है आपका? आपने एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। क्या फॉर्मूला होता है? HCl। अब आप बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है? बेस है, ठीक है बेटा। तो जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिड है, ये बेस है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो इससे आपका क्या बनेगा? हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि एसिड और बेस को जोड़ दिया तो साल्ट बनेगा।
तो साल्ट, साल्ट बनने से पहले आप इसमें से पानी निकाल लीजिए। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O ना, तो H2O कैसे निकलेगा, देखो H2O के लिए दो H चाहिए, H और H2O है ना, तो दो H चाहिए, एक H यहाँ पे है एक H यहाँ पे है, तो H एक इसके पास से जाएगा एक इसके पास से जाएगा, तो यहाँ पे तो Cl बच गया, यहाँ पे NaO बच गया, अब O भी जुड़ा तो यहाँ से O और H दोनों जाएंगे, और यहाँ पे अकेला यहाँ पे Cl बच जाएगा, अकेला यहाँ पे Na बच जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बन गया H2O, यहाँ पे क्या रह गया Na और Cl, तो Na के साथ Cl जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NaCl, और NaCl को साल्ट ही कहा जाता है, कॉमन साल्ट, साधारण नमक जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। ओके, NaCl प्लस वाटर, और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगी आपकी हीट। सो दैट वाज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट एग्जांपल। हमने क्या लिया, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCl, बेस क्या लिया NaOH, ठीक है बेटा। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ, जो वाटर बाहर निकलता है, मैंने पहले वाटर बाहर निकाल लेते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, मतलब हमको दो हाइड्रोजन चाहिए H और H और एक ऑक्सीजन O, एक चाहिए ऑक्सीजन, तो दो H कहाँ है, एक यहाँ से आया एक इधर से आया, तो यहाँ से आया तो Cl रह गया, यहाँ से आया और एक O भी तो चाहिए, तो इसके पास O भी है, तो यहाँ से H और O आया, यहाँ से H गया, तो यहाँ से Na बच गया अकेला, यहाँ से Cl, तो Na के साथ कौन जुड़ गया Cl, NaCl, ये क्या आपका कॉमन साल्ट, साधारण जो व्हाइट कलर का आप नमक खाते हो घर पे, ठीक है, यूज करते हो, और जो वाटर है वो आपका निकल गया इस फॉर्मूले से, इन दोनों से, और साथ में क्या बाहर निकल गया आपकी हीट। तो ये क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नाउ वी विल मूव ऑन अवर सेकंड रिएक्शन व्हिच इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को और अच्छे समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, जिसमें हम क्या है लेते हैं, दोबारा से हम क्या लेते हैं, एसिड, एसिड हम अब की बार क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इट इज आल्सो नोन किंग ऑफ केमिकल, इसको राजा कहा जाता है किसका, केमिकल्स का, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस एंड हाईली रिएक्टिव एसिड। ओके, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको, और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें को पता है कि जब एसिड में बेस जोड़ते हैं तो क्या बाहर निकलता है, पानी, नमक, साल्ट, वाटर और हीट। तो पहले हम पानी बाहर निकाल लेते हैं, इधर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे H2 है, H और H है, यहाँ पे H कितने हैं, यहाँ पे भी H दो है और O भी दो है, तो मतलब आपके यहाँ पे दो O है और दो H है, तो आपके टोटल H कितने हुए, देखिए 1, 2, 3, 4, और दो ऑक्सीजन कितने, 2, 1, 2। हमारा जो पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O, मतलब आपको H2 चाहिए होते हैं पानी बनाने के लिए, एक ऑक्सीजन, आपके पास H कितने हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब आपके पास 3, 4 क्या है, H है, H4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, H4O2। ये क्या आप, इसे आप क्या समझ पा रहे हो, देखिए अगर मैं इसमें से हाफ कर दूं, हाफ कैसे करेंगे, H4 में से आधा, आधे कितने होंगे H4 के, H2 हो गया ना, H2 और ऑक्सीजन का एक H2O, और एक और क्या बन गया H2O, 2 और 2, 4 H4, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, एक एक दो हो गया, तो आपके पास कितने वाटर निकलेंगे इसमें, इस रिएक्शन में 2 वाटर, तो आप यहां से निकाल देंगे प्लस में 2 वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 पानी के मॉलिक्यूल निकले, और इधर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे आपका कैल्शियम बच गया, और यहाँ पे आपका क्या बच गया, SO4 सल्फेट बच गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे कैल्शियम के साथ सल्फेट, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये क्या आपका साल्ट बन गया, और आपके यहाँ पे क्या निकल जाएगी, लास्ट में हीट बाहर निकल जाएगी। तो दैट वाज योर सेकंड रिएक्शन, इसमें हमने क्या किया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, उसमें हमने बेस डाला लाइम वाटर कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और इसे हमने क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपका जो कैल्शियम है वो सल्फेट के साथ कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, और आपका जो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो OH का था वो H2 के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज कर देता है, प्लस में आपकी हीट बाहर निकल जाती है। सो दैट वाज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, what is formed in neutralization reaction, and with the help of these two reactions you have understood what is totally we can learn from this neutralization reaction. So that's all for today, we will meet even in our next video, and we will see a neutralization reaction in our daily life. Okay, till then take care, bye bye and be happy.